नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। इंडो अरब लिंक हैदराबाद मजबूत अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के हित में भारत अरब संबंधों और उत्पाद सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत अरब एकजुटता दिवस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम दिग्गज शामिल हुए हैं। क्या कुछ खास रहा इस बैठक में और इस बैठक में कैसे उत्पाद सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंडो अरब लिंक ने शांति, समृद्धि और लोगों के लिए काम करने का संकल्प लिया है। दरअसल नई दिल्ली में 13 दिसंबर को इंडो अरब लिंक हैदराबाद ने भारत अरब एकजुटता दिवस बैठक में शांति, समृद्धि और भारत अरब क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने का संकल्प लिया। यह बैठक मंगलवार को नई दिल्ली के होटल द अशोक के बैंक्वेट हॉल में आयोजित की गई। वह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला, शत्रुघ्न सिन्हा, कुंवर दानिश अली, के केशव राय, के आर सुरेश रेड्डी सहित तमाम लोग शामिल हुए हैं। वहीं इस एकजुटता बैठक में लगभग सभी अरब राजदूतों की उपस्थिति देखने को मिली। वहीं ये बैठक पवित्र कुरान के पाठ से शुरू की गई। इसके बाद अपने पूर्व अध्यक्ष सैयद वकरुद्दीन के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही इंडो अरब लिंक ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधकों को और मजबूत और एक शांतिपूर्ण स्थिर प्राप्त करने की दिशा में काम करने की इच्छा की पुष्टि की। इस मौके पर इंडो अरब लिंक के अध्यक्ष डॉक्टर मीर अकबर अली खान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरब दुनिया के साथ भारत संबंधों ने नई ऊंचाई छू रहा है। पिछले 8 वर्षों में पीएम मोदी की व्यक्तिगत छाप और अरब विश्व के साथ भारत में फलते फूलते संबंधों का आधार रही है। खान ने आगे कहा कि अरब दुनिया के देशों ने भारत को जो प्यार दिया, वे एक भारत उभरते सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के अपने प्रयासों में अरब राज्यों को मान्यता देता है और उनका समर्थन करता है। भारत का दृष्टिकोण अंतर क्षेत्रीय विवादों में गैर दखल अंदाजी और गैर पक्षपाती रहा है। भारत अरब विश्व नीति ने भारत की विदेश नीति के इतिहास में नए मापदंड स्थापित किए हैं। भारत अरब विश्व संबंधों का बढ़ावा दायरा एशियाई सदी के युग की शुरुआत करने के लिए केंद्रीय होगा। खान ने कहा कि ये एकजुटता दिवस भारतीय और अरब राज्यों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। फिलहाल हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।